हेलो दोस्तों, आज हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट के सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु होती हैं, इस भर्ती परीक्षा की संरचना क्या होती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाती है, इसको सुपर टेट कहते हैं। इसका जो परीक्षा का समय होता है वो 2.5 घंटे का होता है। प्रश्न का प्रकार जो होता है यानी ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, 150 मार्क्स का होता है, जो प्रश्नों की संख्या होती है वो भी 150 होती है। देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। नवीन पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन सामग्री, इसमें भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। हिंदी का देखते हैं, भाग 1 में हिंदी है जो कि इसमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, समास, संधि, अलंकार, छंद, रस, वर्तनी तथा वाक्यगत अशुद्धियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, विशेष्य और विशेषण, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। जो प्रथम भाग का भाषा परीक्षण का जो पाठ्यक्रम है यानी हिंदी का, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भाग पर ही आधारित जो प्रश्न होते हैं वो 40 अंकों के होते हैं। भाषा के बाद द्वितीय क्रम पर सर्वाधिक जो महत्व होता है वो सामान्य ज्ञान यानी समसामयिक घटनाओं का होता है। इस खंड पर 30 अंकों के प्रश्न होते हैं। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन अभिवृत्ति ऐसे विषय खंड हैं जो विशिष्ट होते हैं और जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं संस्कृत में कौन कौन से टॉपिक हैं। भाषा अधिगम प्रक्रिया, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग तथा वाच्य, वाच्य परिवर्तन, कारक, विभक्ति, धातु रूप, लकार, काल तथा वचन, प्रमुख रचनाकार रचनाएं, अभ्यास प्रश्न। अंग्रेजी में है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी एंड यूसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर एंड कॉमन यूसेज एरर्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, फेमस ऑथर्स, पोइट, ड्रामेटिस्ट एंड देयर वर्क्स। विज्ञान में देखिए उदाहरणार्थ प्रश्न, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। गणित में आते हैं आपके अंकीय क्षमता एवं गणितीय संख्या, स्थायी मान, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशतता, लाभ हानि एवं छूट, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, विभाज्यता, लघुतम समावर्त एवं महानतम समावर्तक, एक-एक नियम, सामान्य बीजगणित और सर्वसमिकाएं, औसत एवं अनुपात, समानुपात, क्षेत्रफल एवं आयतन, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्य। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान में भूगोल में आएंगे आपके उदाहरण प्रश्न, अध्ययन सामग्री, अभ्यास प्रश्न। पर्यावरण, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की सामान्य जानकारी, कृषि, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, जनसंख्या, नगरीकरण, वन एवं पर्यावरण, संस्कृति और पर्यावरण, राज्य संबंधित लोक नृत्य, संस्कृति, पर्यटन संस्थान, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ऐसे ही शिक्षण कौशल में आएंगे शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण अधिगम के नियम, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, शैक्षिक विचारधारा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन, मापन, शैक्षिक अभ्यास, शैक्षिक एवं प्रशासन। बाल मनोविज्ञान में आएंगे आपके टॉपिक हैं ये बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र एवं कारक, व्यक्ति भिन्नता अधिगम की अवधारणा, सीखने के सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में व्यवहारिक उपयोगिता, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना
तार्किक ज्ञान, सादृश्यता, कथन निष्कर्ष, तर्क, पूर्व धारणा पर आधारित प्रश्न, द्विधारी, वर्गीकरण, घड़ी कैलेंडर, असमानता, सांकेतिक, पासा, घन एवं पासा, सारणी एवं ग्राफ संबंधी प्रश्न, दिशा परीक्षण, श्रृंखला, पजल्स, प्रतीक एवं संकेत चिन्ह, बेनारेख, रक्त संबंध। सूचना तकनीकी में ये वाले टॉपिक्स हैं, शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग, शिक्षा में तकनीकी प्रयोग, ऑडियो वीडियो सामग्री का महत्व और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति में ये टॉपिक आएंगे। व्यावसायिक आचरण नीति, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन का प्रतिरूप, संवैधानिक मानवीय मूल्य, मूल्य के विकास में परिवार व विद्यालय की भूमिका। ओके, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।